से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग फिफ्थ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे SST का जो आपका यूनिट है मैप्स, उसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ए ग्लोब। जो मैप है, नक्शा, नक्शे होते हैं, वो ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल, मददगार क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है कि जो मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, वो ग्लोब से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों होते हैं। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन, मतलब एक जो ग्लोब है फ़ायदेमंद या हमारे लिए फ़ायदा तभी दे सकता है व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल, जब हम पूरी ज़मीन की मतलब स्टडी कर सकें, मतलब उस पर कुछ देखना हो हमें, इसलिए पूरी ज़मीन को मतलब कोई चीज़ हमने देखनी है, उस पर कोई कंटिनेंट देखना है, कोई ओशन देखना है, तो ही ग्लोब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बट लेकिन मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन आर ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जो मैप होता है ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है या ड्राइंग होती है, एक चित्र होता है। ठीक है, मैप तो ऑलरेडी चित्र ही होता है। ठीक है, किसका, अर्थ का, ज़मीन का या ज़मीन के किसी हिस्से का, और किस पे बनाया जाता है, इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है। किसी पेपर पे बना सकते हैं, किसी वॉल पे बना सकते हैं, ठीक है, या किसी आपके वाइट बोर्ड पे बना सकते हैं। समझ आ गई। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब, इसलिए मतलब जो मैप है ये ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन, मालूमात मुहैया करवाता है किस के बनिस्बत, एक ग्लोब के। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं, मैप्स आर मोर यूजफुल, ठीक है, आर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार करना है और इसका होमवर्क भी आपने करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।